प्रधानमंत्री महोदय, सबसे पहले रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के तीन खंड झांकी सरगी सरगी वसनवाही वसनवाही मारंगपुरी इसके बाद रायपुर कोड़ेबोर तथा विलासपुर पथरापाली चार लेन का लोकार्पण तत्पश्चात रायपुर खरियार रोड रेल लाइन तथा केवटी अंतागढ़ की नई रेल लाइनों का लोकार्पण और पेट्रोलियम गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित नया एलपीजी बॉटलिंग प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित। बहुत बहुत आभार मान्यवर, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आइए अब इन अभूतपूर्व परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हैं लघु फिल्मों के माध्यम से। सबसे पहले इन नई परियोजनाओं के साथ साथ एनएचएआई की 9 वर्षों की विकास यात्रा को दर्शाती ये लघु फिल्म। गत 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व प्रयासों ने तेजी से विकसित होते भारत के लिए एक सशक्त बुनियाद का निर्माण किया है। देश के गांव और शहर आज आधुनिक राजमार्गों से जुड़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वही रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इसी को आगे ले जाते हुए आज करीब 6,400 करोड़ रुपए की लागत से 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की धरती से कर रहे हैं। आज लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं हैं बिलासपुर से पथरापाली तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य, यह रायपुर अंबिकापुर वाराणसी तक बेहतर संपर्क प्रदान करेगी, क्षेत्र की कोयला खदानों तक आवाजाही सुगम होगी, प्रमुख धार्मिक स्थल रतनपुर से बेहतर संपर्क का लाभ तीर्थालुओं को होगा, रायपुर से कोड़े बोर्ड तक 4 लेन सड़क का निर्माण, इससे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और मध्य भाग तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साथ बेहतर संपर्क स्थापित होगा, इस क्षेत्र के लौह अयस्क और स्टील प्लांट से तैयार माल के परिवहन में भी तेजी आएगी। साथ ही शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं झांकी से सरगी, सरगी से बसनवाही और बसनवाही से मारंगपुरी तक 6 लेन सड़क का निर्माण कार्य, इससे रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच की दूरी करीब 130 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा के समय में भी लगभग 7 घंटे की बचत होगी। इस परियोजना से पूरे क्षेत्र में रोजगार कारोबार के बड़े मौके बनेंगे, स्थानीय उपज उत्पाद को बड़े बाजारों तक पहुंचाना आसान होगा। इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक और सशक्त होगा, ट्रैफिक जैम पर अंकुश लगेगा और आवागमन सहज होगा, साथ ही समय और ईंधन की बचत होगी, राज्य में व्यापार शिक्षा और पर्यटन को नई मजबूती मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्प है और आज लोकार्पित और शिलान्यास हो रही परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ विकास की राह पर तेजी से अग्रसर होगा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का अहम भागीदार बनकर उभरेगा। अब देखते हैं रेलवे मंत्रालय की शानदार उपलब्धियों को उजागर करती ये ऑडियो विजुअल। छूटे हुओं को मिलाना हो या भारत के कोने कोने को जोड़ना, सदैव तत्पर रही है भारतीय रेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने पकड़ी विकास की एक अभूतपूर्व गति। इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। स्पीड, स्केल और सुविधा का उदाहरण बन रही है भारतीय रेल। ऐसे में अंत्योदय के आदिवासियों के विकास के संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ अभूतपूर्व निर्माण। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं केवटी अंतागढ़ नई लाइन।
तथा रायपुर खरियार रोड दोहरीकरण का लोकार्पण एवं अंतागढ़ रायपुर यात्री सेवा का शुभारंभ। भारतीय रेल की 95 किलोमीटर लंबी दल्ली राजहरा रावघाट परियोजना के अंतर्गत केवटी अंतागढ़ के मध्य 17 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन इस क्षेत्र में सेतु का काम करेगी। रेल संपर्क से अछूते इस क्षेत्र को अंतागढ़ से रायपुर सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। रायपुर खरियार रोड के 103 किलोमीटर दोहरीकरण से व्यापारिक केंद्रों से पत्तनों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे बढ़ेगा व्यापार, विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा, पर्यटन का होगा विस्तार। वन बंधुओं को विकास की धारा से जोड़ने का ये प्रयास छत्तीसगढ़ को नया संबल प्रदान करेगा। प्रगति एवं उन्नति के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को गति देती रहेगी भारतीय रेल। आइए देखते हैं कोरबा बॉटलिंग प्लांट की निर्माण यात्रा की कुछ झलकियां। हसदेव और अहिरन नदियों के संगम तट पर स्थित है छत्तीसगढ़ को ऊर्जित करने वाली इस राज्य की विद्युत राजधानी कोरबा, और यहां के नागरिकों को अब मिलने जा रही है स्वच्छ ईंधन की नई सौगात। इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित एक नए एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की स्थापना से नेचुरल गैस के साथ साथ इस क्षेत्र में एलपीजी गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम चल रहा है, क्योंकि पूर्वी भारत में उज्ज्वला योजना के बाद एलपीजी गैस की कवरेज काफी अधिक बढ़ गई है। 30 एकड़ वर्ग क्षेत्र में फैला 136 करोड़ रुपयों की लागत से बनकर तैयार हुआ ये पूर्णतः स्वचालित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट सुरक्षा एवं स्टोरेज की सभी सुविधाओं से लैस है। 60 TMTPA की क्षमता वाले इस प्लांट में बल्क TT अनलोडिंग के लिए 8 बेस, 2 इलेक्ट्रॉनिक कर्यूसल्स एवं यहां 60 किलोवाट की क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का भी प्रबंधन किया गया है। लगभग 17,000 सिलेंडर की दैनिक बॉटलिंग क्षमता के साथ ये प्लांट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से तकरीबन 16 लाख ग्राहकों तक एलपीजी की आपूर्ति करेगा। उसी के साथ रोजगार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवसरों के माध्यम से यहां के निवासियों की जीवन शैली में भी बढ़ोतरी होगी। ये प्लांट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन में भी योगदान देगा और घरेलू ईंधन में एलपीजी के माध्यम से हरित एवं पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक ईंधन पाकर यहां के नागरिकों की जीवन शैली में भी उन्नति आएगी। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोरबा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के भागीरथ प्रयास को चित्रित करती ये लघु फिल्म। स्वास्थ्य किसी वरदान से कम नहीं, और यह वरदान मिला है देश के 60 करोड़ गरीब और वंचित लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। देश के गरीब से गरीब को भी एहसास हुआ है कि देश के अस्पताल उसके लिए भी आसानी से उपलब्ध है, और इसमें एक बड़ी भूमिका आयुष्मान भारत योजना ने निभाई है। प्रतिदिन 45,000 से अधिक लाभार्थियों का उपचार करते हुए यह योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जा रही है। देश भर में योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक उपचार प्रदान किए गए हैं, जिन पर सरकार द्वारा 65,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया गया है। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत राज्य में अब तक 39.53 लाख इलाज प्रदान किए गए हैं। सभी लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के लिए पिछले 2 वर्षों से आपके द्वार आयुष्मान अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कार्ड बनाने वाली एजेंसियां एवं जमीनी स्तर पर कार्यरत आशा, आंगनबाड़ी, ग्राम रोजगार सहायक आदि घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़ में 75 लाख आयुष्मान कार्ड वितरण का शुभारंभ किया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय की अभूतपूर्व उपलब्धियों में एक और आयाम जोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अब अंतागढ़ से रायपुर नई ट्रेन का उद्घाटन करेंगे,
माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह, हरी झंडी दिखाकर इस रेलगाड़ी का मंगलमय उद्घाटन करें, इसे अंतागढ़ से विदा करें। आप देख सकते हैं अंतागढ़ उत्सव एवं उमंग के बीच देश की जीवन रेखा कही जाने वाली रेल अंतागढ़ से अपनी पहली गौरवशाली यात्रा शुरू करते हुए रेल मंत्रालय अपने विशाल नेटवर्क का निरंतर विकास करते हुए नए कीर्ति स्तंभ स्थापित कर रहा है, उसमें एक और अध्याय जुड़ते हुए आज स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को परिकल्पित किया गया। सितंबर 2018 में शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना, जिसमें अब तक 5 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से करवद आग्रह, कृपया यहाँ उपस्थित लाभार्थियों को आयुष्मान भारत परियोजना कार्ड वितरित कर हम सबका गौरव बढ़ाएं। सबसे पहले श्रीमती गौरी चौहान जी, श्रीमती गौरी चौहान जो रायपुर शहर से आती हैं, करतल ध्वनि से आइए अभिनंदन करें इन अलौकिक पलों का। सुश्री शेफाली पाटिल रायपुर के दलदल सिवनी ग्राम से हमारे बीच पधारी हैं। श्री मोहम्मद शफीक अंसारी जो रायपुर शहर से ही हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। श्री नबलू राम जुरी कांकेर जिले से पधारे हैं और इनका गांव है पलेवा। और इसके बाद बालोद जिले के श्री हरीश कुमार अर्जुंदा ब्लॉक के तिलखेरी गांव से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद महोदय, ये सभी परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में विकास के नए द्वार खोलेंगी। विकास जो सर्वव्यापी है, सर्व स्पर्शी है, और अब समय है उस उद्बोधन का जिसके लिए हर देशवासी ही नहीं बल्कि देश दुनिया के हर कोने में लोग आज आह्लादित हैं, आतुर हैं। आपसे करबद्ध आग्रह, माननीय आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें, आज के समारोह को संबोधित करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। छत्तीसगढ़ के गवर्नर श्रीमान विश्वभूषण हरिचंदन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी भाई नितिन गडकरी जी, मनसुख मांडविया जी, रेणुका सिंह जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान टीएस सिंहदेव जी, भाई श्री रमन सिंह जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। आज छत्तीसगढ़ को
7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं, कनेक्टिविटी के लिए हैं। ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हैं, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हैं। भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहाँ रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहाँ के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। मैं इन सभी प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत में हम सभी का दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, वहां विकास भी उतनी ही देरी से पहुंचा। इसलिए आज भारत उन क्षेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। आज भारत में किस तरह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, यहां छत्तीसगढ़ में भी नजर आता है। पिछले 9 वर्षों में छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंची हैं। भारत सरकार ने यहां करीब 3,500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसमें से लगभग 3,000 किलोमीटर की परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर कोड़ेबोड़ और बिलासपुर पथरापाली हाईवे का लोकार्पण हुआ है। रेल हो, रोड हो, टेलीकॉम हो, हर तरह की कनेक्टिविटी के लिए पिछले 9 साल में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व काम किया है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बहुत बड़ा लाभ है जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाती। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बस्तियों को आज ये सड़कें, ये रेल लाइनें जोड़ रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं बहनों को आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है। यहाँ के किसानों, यहाँ के मजदूरों को इससे सीधा लाभ हो रहा है। इसका एक और उदाहरण मोबाइल कनेक्टिविटी भी है। 9 साल पहले छत्तीसगढ़ के 20% से ज्यादा गांवों में किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। आज ये घटकर लगभग 6% रह गई है। इनमें से अधिकतर जनजातीय गांव है, नक्सल हिंसा से प्रभावित गांव है। इन गांवों को भी अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए भारत सरकार 700 से अधिक मोबाइल टावर लगवा रही है। इनमें से करीब 300 टावर काम करना शुरू कर चुके हैं। जिन आदिवासी गांवों में पहुंचते ही पहले
मोबाइल सन्नाटे में आ जाते थे, आज उन्हीं गांवों में मोबाइल की रिंगटोन बज रही है। मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचने से कितने ही कामों में अब गांव के लोगों को मदद मिल रही है, और यही तो सामाजिक न्याय है, और यही तो सबका साथ सबका विकास है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ दो दो इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है, रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर इस पूरे क्षेत्र का भाग्य बदलने वाले हैं। ये आर्थिक गलियारे उन आकांक्षी जिलों से होकर गुजर रहे हैं जिन्हें कभी पिछड़ा कहा जाता था, जहां कभी हिंसा और अराजकता हावी थी। आज उन्हीं जिलों में भारत सरकार की कमान में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। आज जिस रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम शुरू हुआ है, वो इस क्षेत्र की एक नई लाइफलाइन बनने वाली है। इस कॉरिडोर से रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच का सफर आधा हो जाएगा। 6 लेन की ये सड़क धमतरी की धान बेल्ट, कांकेर की बॉक्साइट बेल्ट और कोड़ा गांव के हस्तशिल्प की समृद्धि को देश के अन्य हिस्सों में जोड़ने का प्रमुख मार्ग बनेगी। और मुझे इसकी एक और खास बात बहुत अच्छी लगी, ये सड़क वन्य जीव क्षेत्र से गुजरेगी, इसलिए इसमें वन्य जीवों की सहूलियत के लिए टनल और एनिमल पासेस भी बनाए जाएंगे। दल्ली राजहरा से जगदलपुर रेल लाइन हो, अंतागढ़ से रायपुर के लिए सीधी ट्रेन सेवा हो, इससे भी यहां के दूर सुदूर के क्षेत्रों में आना जाना और आसान हो जाएगा। साथियों, भारत सरकार का कमिटमेंट है कि जहां प्राकृतिक संपदा है वहीं नए अवसर बने, वहीं ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे। इस दिशा में भारत सरकार ने जो प्रयास बीते 9 वर्षों में किए हैं, उनसे छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण को नई ऊर्जा मिली है। भारत सरकार की नीतियों से छत्तीसगढ़ के पास राजस्व के रूप में अधिक पैसा भी पहुंचा है। विशेषकर माइंस और मिनरल एक्ट बदले जाने के बाद छत्तीसगढ़ को रॉयल्टी के रूप में कहीं अधिक पैसा मिलने लगा है। 2014 से पहले के 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ को 1300 करोड़ रुपए रॉयल्टी के तौर पर मिले थे, जबकि 2015-16 से 2020-21 के बीच छत्तीसगढ़ को लगभग 2800 करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में मिले हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की राशि बढ़ने से उन जिलों में विकास का काम तेज हुआ है जहां खनिज संपदा है। बच्चों के लिए स्कूल हो, पुस्तकालय हो, सड़कें हो, पानी की व्यवस्था हो, ऐसे ही कितने ही कामों में अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पैसा खर्च हो रहा है। साथियों, केंद्र सरकार के एक और प्रयास का छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ हुआ है। भारत सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में 1,60,00,000 से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। आज इन बैंक खातों में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा है। ये उन गरीब परिजनों, उनके परिवारजनों, किसानों, श्रमिकों का पैसा है जो पहले यहां वहां अपने पैसा रखने के लिए मजबूर थे। आज इन जनधन खातों की वजह से गरीबों को सरकार से सीधी मदद मिल पा रही है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिले, वो स्वरोजगार करना चाहे तो दिक्कत ना हो, इसके लिए भी भारत सरकार निरंतर काम कर रही है। मुद्रा योजना के तहत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद छत्तीसगढ़ के युवाओं को दी गई है। ये पैसे भी बिना गारंटी को दिए गए हैं। इस मदद से बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के गांवों में हमारे आदिवासी युवक युवतियों ने, गरीब परिवार के युवाओं ने अपना कुछ काम शुरू किया है। भारत सरकार ने
कोरोना काल में देश के छोटे उद्योगों को मदद देने के लिए भी लाखों करोड़ रुपए की एक विशेष योजना चलाई है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के करीब 2 लाख उद्यमों को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की मदद मिली है। साथियों, हमारे देश में पहले कभी किसी सरकार ने हमारे रेहड़ी पटरी वालों की, ठेले वालों की सूद नहीं ली। इनमें से ज्यादातर लोग गांवों से ही तो जाकर शहरों में ये काम करते हैं। हर रेहड़ी पटरी और ठेले वाले को भारत सरकार अपना साथी समझती है, इसलिए हमने पहली बार उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई, बिना गारंटी के उन्हें ऋण दिया। छत्तीसगढ़ में इसके भी 60,000 से ज्यादा लाभार्थी है। गांवों में मनरेगा के तहत भी पर्याप्त रोजगार मिले, इसके लिए भी छत्तीसगढ़ को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत सरकार ने दिए हैं। भारत सरकार का ये पैसा गांवों में श्रमिकों की जेब में पहुंचा है। साथियों, थोड़ी देर पहले यहां 75 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए जाने की शुरुआत हुई है, यानी मेरे इन गरीब और आदिवासी भाई बहनों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। छत्तीसगढ़ के 1,500 से ज्यादा बड़े अस्पतालों में वो अपना इलाज करा सकते हैं। मुझे संतोष है कि गरीब, आदिवासी, पिछड़े, दलित परिवारों का जीवन बचाने में आयुष्मान योजना इतना काम आ रही है। और इस योजना की और एक भी विशेषता है, अगर छत्तीसगढ़ का कोई लाभार्थी हिंदुस्तान के किसी और राज्य में है और वहां उसको अगर कोई परेशानी हो गई तो ये कार्ड वहां भी उसका सारा काम पूरा कर सकती है, इतनी ताकत इस कार्ड में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार इसी सेवा भाव से छत्तीसगढ़ के हर परिवार की सेवा करती रहेगी। एक बार फिर आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए आभार मान्यवर। आपका